एक बहुत ही कॉमन सवाल मुझे मेरे ख्याल से हमेशा पूछा जाता है कि आयरन लेवल्स वुमेन्स की खास करके बहुत लो हो जाती है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन जो रेगुलरली आती है, अगर वुमेन्स में एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है तो, और उतना डाइट में अगर उनका आयरन का हाई डाइट नहीं होगा कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से हीमोग्लोबिन है, आयरन है, ऐसा डाइट अगर आपके खाने पीने में नहीं आ रहा है तो आपके शरीर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रेगुलरली आयरन सप्लीमेंट्स तो जाती हैं, आयरन के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भरपूर मिलते हैं, और हर व्यक्ति कहता है कि मैं आयरन की टेबलेट्स तो खा रही हूँ या खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को हमेशा जब भी ब्लड टेस्ट कर रही हूँ तो मेरा आयरन जो है लो क्यों आता है। आयरन लो आने के अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि आयरन का एब्सॉर्प्शन के लिए आप अगर आयरन की गोलियां भी खा रहे हो तो देखना पड़ेगा कि विटामिन सी आपके बॉडी में कम तो नहीं है, क्योंकि विटामिन सी इज द वन थिंग विच हेल्प्स फॉर आयरन एब्सॉर्प्शन ऑल्सो। और आयरन की जरूरत, हीमोग्लोबिन की जरूरत बॉडी में हर चीज के लिए होती है, फिर वो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को हर छोटे से छोटे टिश्यू में पहुंचाने का काम करती है। इस सभी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू जब आप उसका इन्फॉर्मेशन देखते हो तो आयुर्वेद में हम हमेशा इसका संबंध जो है ओजस, तेजस और प्राणा से करते हैं, कि आपके शरीर में जो सटल लेवल के ओजस, तेजस, प्राणा अगर बैलेंस है तो आपका आयरन लेवल जो है वो आपका स्ट्रांग रहेगा। फिर जो भी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना खा रहे हो वो खाना आपका बराबर से हजम भी होगा, पचन भी होगा, और उसके उसका रूपांतर जो है बराबर आयरन में हो जाएगा। एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या आयरन मैंने बहुत ज्यादा अननेसेसरली खाया तो क्या हो सकता है। जब आपके बॉडी के अंदर, एक तो आपको पता होगा जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन और आयरन की लेवल कितनी, और दूसरा देखते हैं कि आपका आयरन स्टोर कितना है। ये क्या होता है कि आपके बॉडी में पहले तो आयरन स्टोर अगर आपका लो हो जाता है तो नेचुरली जब आप कोई भी सप्लीमेंट्स खाते हो या आयरन रिच फूड लेते हो तो बॉडी उसको फटाफट एब्सॉर्ब करके आपके बॉडी का आयरन लेवल बढ़ाती है। लेकिन अगर आपका आयरन स्टोर ही बहुत ज्यादा होता है तो नेचुरली बॉडी उसको एब्सॉर्ब नहीं करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मार्केट में ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स कमर्शियली बेचे जाते हैं, जो ये सप्लीमेंट्स अगर आपका अननेसेसरी बॉडी के अंदर जाते हैं तो दैट कैन गिव ओवरलोडिंग टू द हार्ट एंड लीवर। देखा गया है कि एक्सेस आयरन सप्लीमेंट्स अननेसेसरीली बॉडी में जाते हैं तो हार्ट और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। फिर उसी को हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू कंपेरिजन करते हैं तो यही बता करते हैं कि ये जो एक्सेस आयरन है, लोहा, जैसे हम कहते हैं कि लोहे के चने चबाना, कि जब आप लोहे खा रहे हो तो वो लोहा जो है डाइजेशन को नेचुरली ओवरलोड करेगा, आपका बॉडी अगर उसे एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो इट विल रिमेन इन द बॉडी इन द हेवियर सब्सटेंस विच इज नॉट गुड फॉर लीवर एंड हार्ट। तो ये आयरन एक्सेस अननेसेसरली लेना नहीं चाहिए। और आपका पता कैसे चलेगी आपके बॉडी में आयरन लो है, मैं कुछ साइंस और सिम्टम्स बताती हूँ, आप जस्ट अपने आप को पूछ के देखिए कि क्या आपके बॉडी में ये हो रहा है। खास करके अगर सुबह उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके आंखों के नीचे सूजन है, दूसरा आपको पता चलता है कि थोड़ा भी चलते हैं तो आपको श्वास लग रहा है, दम लग रहा है, क्योंकि बॉडी टायर्ड हो जाती है, थकान आ जाती है, लो एनर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा आप फटीग महसूस करते हो, दूसरा आपके पैरों में सूजन आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि आपकी पैरों की सूजन जो है वो एक साइन हो सकता है बॉडी के अंदर कि आपको कहीं एनीमिया तो नहीं है। तो एनीमिया बॉडी में पता करने के सिंपल सिंपल साइंस होते हैं, अगर आप वक्त रहते उसको पता कर लेते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि ये एनीमिया अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो हार्ट के अटैक्स भी आते हैं, हार्ट में सीवियर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और मैंने देखा हुआ है कि लो आयरन लेवल की वजह से डेथ्स भी हो सकती है। तो छोटा बच्चा हो या प्रेग्नेंट वुमन हो या लैक्टेटिंग मदर हो, उनको आयरन सप्लीमेंट या आयरन से रिच खाना जो है वो लेने की अगर जरूरत है तो जरूरत है। तो आयुर्वेद में आंवला हो, च्यवनप्राश हो, एलोवेरा हो, कई आयुर्वेदिक जो आयरन सप्लीमेंट्स होती है उसमें जो सप्तामृत लो हो या तो पुनर्नवादी मंडूर जैसे जो चीजें होती है हम रेगुलरली देते हैं, और हमने देखा हुआ है और आपने मेरे ख्याल से रूपा जी के टीवी प्रोग्राम में भी देखा होगा कि बहुत ही फास्ट आयरन जो है वो बॉडी में बिल्ड हो जाता है। तो आप जरूर ख्याल रखिएगा कि क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी जो है शरीर में कई बीमारियां ला सकती है।